ऑफर मेरे पास मेनली 4-5 जगह से थे, और मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज थी, जो मतलब मेन कंपनीज, पेटीएम, एयरटेल एंड मेक माई ट्रिप थी। और Hey guys, this is Ashwini and welcome back. Today we're gonna discuss the journey of my friend from Tier 3 college to Paytm and Make My Trip and Airtel. There are a lot of offer he have. Okay, so we will ask him like how he search a job, कि उसने ये job कैसे देखी and how he get into the Paytm and Make My Trip. So without waste time, let me invite Pius and start this video. पहले बात करेंगे कि हमने पेटीएम की जॉब कैसे मतलब देखा, पेटीएम में कि हाँ जॉब है, रिक्वायरमेंट है, फिर हम बात करेंगे उसका इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पहले ये बता कि कहाँ से देखी तुझे जॉब, तेरे को पता कैसे चला और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है पूरा। तो हाँ, तो मैं भाई अश्विनी तुमको ये बताऊँ तो मतलब एक्चुअली ऑफर मेरे पास मेनली 4-5 जगह से थे, और मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज थी, जो मतलब मेन कंपनीज, पेटीएम, एयरटेल एंड मेक माई ट्रिप थी। और सबसे पहले मतलब आई वुड से जॉब सर्च मैंने शुरू करा लिंक्डइन पे देखना। देन लिंक्डइन पे मैंने क्या करा, प्रोफाइल्स लोगों के सर्च करा, देन यू नो एचआर रिक्रूटर्स के प्रोफाइल सर्च करा, देन उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहा, उनको मैसेज करे एंड उनसे पूछा कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है क्यूए के लिए। ठीक है, लाइक आई वॉज स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर रोल इन एट यू नो फॉर क्यूए, फॉर अ क्यूए रोल बेसिकली। तो मैंने सबसे पहले उनको रीच आउट करा और देन मैंने उनसे इंटरेक्ट करा। कितनों के तो मतलब ऐसा होता है ऑब्वियसली पहले रिप्लाई नहीं आते हैं ना, देन ऑब्वियसली यू नीड टू इंटरेक्ट विद टू मेनी पीपल ओवर देयर एट लिंक्डइन। और देन उसके बाद उनके हाँ उनसे कनेक्ट करने के बाद मेरे को रिप्लाईज आए, देन उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू प्रोसेस शेड्यूल करा। तो स्ट्रेटेजी मेरी ये थी सबसे पहले कि मतलब रेदर देन सर्चिंग देम ऑन यू नो रेदर देन ईमेलिंग देम डायरेक्टली और समथिंग एल्स, मैंने क्या करा लिंक्डइन पे गया, देन आई सर्च फॉर देयर प्रोफाइल एंड देन आई डायरेक्टली मैसेज देम, आई कनेक्टेड विद देम एंड देन आई मैसेज देम। और यही आई वुड से कि सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट यू टू योर रिक्रूटर, टू योर एचआर एंड देन दे कैन यू नो स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रोसेस इफ लाइक इफ दे सी योर प्रोफाइल, इफ दे लुक एट योर प्रोफाइल। तो जैसे कि पीयूष हमने साथ में काम किया है मतलब एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर, तो ये तूने एक्सपीरियंस के लिए देखी होगी ऑब्वियसली, तो मतलब तेरा क्या एक्सपीरियंस है अभी तक, कि एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर फ्रेशर को ज्यादा प्रॉब्लम होती है लिंक्डइन पे कनेक्ट करना? बिकॉज मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ क्योंकि होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस पे मतलब फ्रेशर पे देखते हैं तो उनको आई थॉट के ज्यादा हमसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो तूने अभी भी रिसेंटली देखा है तो तुझे क्या लगता है कि क्या एक्सपीरियंस है तेरा और फ्रेशर का अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि हमने एज एन फ्रेशर भी सर्च किया था यार। राइट मतलब हाँ ऑब्वियसली हाँ मुझे याद है यार, हमने एज अ फ्रेशर भी सर्च करा था है ना। एक्चुअली हमारी मतलब करियर की शुरुआत सेम कंपनी से हुई थी एंड यू कैन से सेम कॉलेज लेवल भी हमारा सेम ही था, बट वही है आई वुड ऑल्सो से कि हाँ यार ऑनेस्टली देखो फ्रेशर के लिए थोड़ी इशू रहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, क्योंकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है शो करने के लिए रिक्रूटर के लिए के रिगार्डिंग। राइट एंड वो कोई एक स्पेसिफिक डोमेन में अभी इंटू नहीं है कि हाँ भाई ठीक है लाइक आई एम इनटू डेवलपमेंट और आई एम इनटू टेस्टिंग और आई एम इनटू डेवऑप्स रोल। तो यार ऑब्वियसली हाँ ये एक पॉइंट रहता है फ्रेशर्स के साथ कि उनको थोड़ा इशू रहता है कि है ना मतलब लाइक लेट सपोज इवन इफ आई कनेक्ट विद द एचआर और विद द यू नो विद एनी रिक्रूटमेंट टीम मेंबर देन व्हाट वुड आई से अबाउट माय प्रोफाइल। राइट बट उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि यार बेसिकली जस्ट फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट, ऑन योर यू नो व्हाटएवर द इंटर्नशिप्स और द प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए यही है कि यार क्वेश्चंस वो यही पुट करेंगे कि मतलब आपका प्रोजेक्ट में रोल क्या था, राइट एंड व्हाट हैव यू डन टिल नाउ इन यू नो लाइक टिल योर फोर्थ ईयर एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स। तो आई वुड मतलब यही है यार, यही अप्रोच रहेगी मेरी भी एंड ऑब्वियसली यार फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन मतलब यू जस्ट नीड टू स्टिक टू योर फील्ड बिकॉज नाउ यू हैव द डोमेन, नाउ यू नीड टू गेट द नॉलेज अपॉन द सेम है ना। एंड या तो वही था यार प्रोसेस ऐसे ही कुछ था, बट करेक्ट मतलब पॉइंट आपका ठीक है कि ये फ्रेशर के लिए थोड़ा इशू रहता है। मेरे को जो लगता है कि टियर 1 टियर 2 कॉलेज उनका क्या होता है कि ठीक है हाँ ऑब्वियसली कॉलेज में जाने के लिए हर कोई मेहनत करता है, बट यहाँ पे हम लोग कोई नॉट आउट नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ ठीक हम जॉब कर रहा था हम क्लियर देख पा रहे थे, तो वहाँ तुझे लगता है कि सर्च करने में कुछ डिफिकल्टी हुई थी? जैसे तू वहाँ क्लियर थ्री कॉलेज था, मुझे तुझे पता है कि हाँ मैं पब्लिक फील्ड में गया हूँ तो मुझे कितनी डिफिकल्टी हुई है, तू अगर मेक माई ट्रिप में ज्वाइन किया तो तुझे कितनी डिफिकल्टी है, तो तुझे लगता है कि हाँ फर्क पड़ता है तुझे कि कॉलेज का कि हाँ? यार देखो ऑब्वियसली देखो भाई फर्क तो बहुत बड़ा है, ठीक है काफी, और ये फर्क मतलब झुटलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है दैट इज ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि यार देखो जो मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट्स है वो फिल्टर आउट हो चुके होते हैं ना जब तक वो IITs वगैरह में पहुंचते हैं, देन ठीक है देन रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, बिग कंपनीज, प्रोडक्ट कंपनीज, देन डेफिनेटली दे द सर्च फॉर ओनली दोज स्टूडेंट दे दोज आर फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेजेस और यू नो फ्रॉम रेप्यूटेड
मतलब उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हो जहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है ठीक है टीयर थ्री कॉलेज की, तो यार मैं ये नहीं मानता कि ठीक है ऑब्वियसली लाइक इफ यू फ्रॉम टीयर थ्री कॉलेज तो यार ठीक है लाइक तुम्हारा मतलब इनसे वास्ता ही टूट गया जो भी, लाइक यू कैन नॉट रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर केस, है ना। ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली यार, हमने करके दिखाया ऑब्वियसली, हमारे मतलब हमारे सीनियर्स थे उन्होंने भी अच्छा गाइड करा, उन्होंने भी करके दिखाया, तो ऐसा कुछ वो नहीं है यार हार्ड एंड फास्ट रूल की ऑब्वियसली, है ना, कि मतलब यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर कंपनी ओनली और यू कैन नॉट जंप बिगर इन योर डोमेन, तो यार ऐसा कुछ नहीं है ऑब्वियसली, है ना। बस बात यह है कि जस्ट स्टिक टू योर नॉलेज एंड नहीं नॉट स्टिक टू योर नॉलेज, जस्ट स्टिक टू योर लाइक व्हाट आई वुड से लाइक स्टिक टू योर करियर प्लान्स, है ना, एंड जस्ट फील अ लिटिल मोटिवेटेड और देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक। एंड प्लस वही है यार बात ये, अब जैसे फ्रॉम लाइक वी गाइज आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो वही है प्राइमरली फोकस हमारा डीएसए में रहना चाहिए, प्रोग्रामिंग में रहना चाहिए, है ना, पिकिंग अप अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड जस्ट डूइंग द एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो दैट वुड लाइक आई वुड से, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि यार स्पेसिफिकली, है ना, लाइक फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज यू कैन नॉट गेट इन टू अदर सम यू नो गुड कंपनीज गुड ब्रांड्स, सो दैट वुड यही से मेरा मानना कि टीयर थ्री कॉलेज से ऑब्वियस का मतलब ये है कि तुम अमेजोन में किसी कंपनी में नहीं जा सकते। मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो एनआईटी आईआईटी से काम करते हैं और हैं वो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ प्रॉब्लम होती है, तो तुमको लाइक उनसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो बात अलग है। बट यार हाँ देखो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली देखो यार बात यह है मेहनत का आई वुड से मतलब पैरामीटर सबका सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने ज्यादा मेहनत करी है तुमसे तो डेफिनेटली दे विल जरूर गेट द रिजल्ट, हाँ मतलब डेफिनेटली दे विल गेट द रिजल्ट, है ना, मतलब फास्टर देन यू। बट बात यह है ठीक है इवन इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी जस्ट डू नॉट लूज एनी होप्स, है ना, ट्राई फॉर बिगर लाइक जस्ट अप्रोच बिग ड्रीम बिग एंड डेफिनेटली देन यू कैन क्रैक यार। है, हम पेटीएम के इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ से मान लेंगे तूने अप्लाई किया, हमारा रिक्रूटर से कांटेक्ट हो चुका है, वो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर देता है, ठीक है। तो अब जो पहला राउंड होता है, तो उसमें क्या होता है पहले राउंड? ठीक है, तो उसका यार देखो मैं सुनी भाई मैं बस एक प्री रिक्वेस्ट दूंगा बेसिकली, ठीक है। लेट सपोज आपका, मैं बस उसी क्वेश्चन मतलब उस पर एड्रेस करने वाला था, ठीक है। लेट सपोज आपका प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन फर्दर वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू राउंड्स के लिए सिलेक्ट करते हैं आपको, ये नहीं कि ठीक है आपने एचआर से भाई 1 to 1 कर ली कॉन्टेक्ट कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ योर रेज्यूमे दे जज यू एंड ऑब्वियसली नेवर डू नॉट राइट एनीथिंग यू नो लाइक द नॉलेज विच यू डू नॉट हैव ऑन योर रेज्यूमे, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। दूसरा रूल रहता है ठीक है रिगार्डिंग माई पेटीएम एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यार देखो इंटरव्यू प्रोसेस का कोई टीडियस नहीं था, ठीक है, दैट वाज अ सिंपल प्रोसेस। बट हाँ ऑब्वियसली उसमें 4-5 राउंड से, आई वुड से 5 राउंड से, क्योंकि पहला राउंड उसमें जो रहा वो एमसीक्यू राउंड था, ठीक है ना, दैट वाज क्वाइट सब्जेक्टिव राउंड और वही था कि फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि यार उनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, राइट। देन दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, आई वुड से वो स्पेसिफिकली टेक्निकल था, है ना, एंड टेक्निकल टू माय डोमेन, टेक्निकल टू माय प्रोग्रामिंग स्किल्स, और पर्टिकुलरली मैं जावा पे मतलब काम करा था, तो मैंने जावा पे काम करा, जावा पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़े बहुत डीएसए के क्वेश्चंस थे बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, मेरा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो यार मैं सच बताऊं उतना कोई टफ डीएसए के क्वेश्चंस नहीं पूछे, जस्ट बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और एरे मैनिपुलेशंस, राइट, और यू कैन से सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैप्स कलेक्शंस, जावा कलेक्शंस बेसिकली, कलेक्शन इंटरफेस एंड यू नो ऑल द हायरार्की, तो क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे थे एंड मैं ज्यादा अपने टेक्निकल डोमेन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट वाज स्पेसिफिक टू क्यूए राउंड, है ना, क्यूए रोल, तो मुझे नहीं लगता वो अभी ठीक रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए रेदर देन अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या होता है सेकंड थर्ड और फोर्थ राउंड आपका काइंड ऑफ ये रहता है, हाँ, प्लस आपको एसक्यूएल की नॉलेज यार अगर आप ऐड करो तो आपके लिए मतलब फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि यार एसक्यूएल यू नो लाइक इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी डोमेन आई वुड से, ठीक है, थोड़ा सा आपका टचअप तो देना जरूरी है, हाँ। एसक्यूएल इज लाइक यू वुड से मतलब वही काइंड ऑफ एक सब्जेक्ट होता है जो आपको कंपलसरी होता है, ठीक है, तो एसक्यूएल इज लाइक दैट, ठीक है। दूसरी चीज आई वुड एडवाइज इज कि जस्ट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना, और एसक्यूएल मैंने आपको बताया, और कौन सा ठीक है सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड ठीक है मेरे ऐसी रही काइंड ऑफ टेक्निकल, जो मेरा लास्ट राउंड था दैट वाज टेकन बाय माय मैनेजर एंड दैट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरल राउंड, राइट, लाइक इन टुडेज वर्ड वी से टेक्नो मैनेजरल राउंड, राइट। तो उसमें क्या था कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन यार स्पेसिफिक टू यू नो टू द क्यूए रोल, राइट, कि मतलब लेट्स सपोज इफ देयर इज अ बिल्ड फेलियर और लाइक द बिहेवियरल क्वेश्चन आई वुड से, राइट।
लाइक हाउ वुड यू बिहेव इन दिस और दैट सिचुएशंस. तो ऑब्वियसली दैट इज मतलब है ना कि वो भी आपकी एक स्किल टेस्ट होती है. प्लस देर वर ऑल्सो सम पजल्स एज वेल इन माई सेकेंड और थर्ड राउंड. यार वो बहुत ही ईजी थे. यू कैन गो ऑन गीक्स फॉर गीक्स एंड यू कैन सर्च फॉर द पेटीएम पजल क्वेश्चन और यू नो सम अदर कंपनीज पजल क्वेश्चन. और मैं ये मानता हूँ कि वो जो कंपनीज हैं वो उसी मतलब स्पेसिफिक सेट ऑफ पजल्स हैं उनसे ही क्वेश्चन करते हैं. ऐसे कुछ स्पेसिफिक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेंगी है ना. बिकॉज सीरियसली इफ इफ दे फील दैट कैंडिडेट इज कैपेबल इनफ देन दे आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट यू फॉर अ सिंपल पजल. ठीक है. हाँ तो भाई मतलब आई गेस दिस आंसर्स योर क्वेश्चन राइट. तो ये हमारा यहाँ तक होता है कि हमने पूरा पेटीएम पे डिस्कस कर दिया. अब मेन जो कंपनी थी तेरे पास वो एयरटेल की थी. एयरटेल का हम इस बारे में पता नहीं डिस्कस करेंगे, वो फिर कभी और देखते हैं. हम देखते हैं मेन कंपनी मेक माई ट्रिप के बारे में. तो यहाँ इसका कंपनी का तुमने वही सेम प्रोसेस किया होगा कि लिंक्डइन पे गया, तुमने रिक्रूटर से बात की और मैंने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया. हाँ तो अश्विनी भाई ऐसा था कि ऑब्वियसली मतलब सर्च तो मैंने हर एक कंपनी का वही लिंक्डइन पे गया, रिक्रूटर से कनेक्ट करा, टीम मेंबर से कनेक्ट करा, देन दे लाइक दे मतलब उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करा मेरा कुछ दिनों बाद उसके. तो यह प्रोसेस काइंड ऑफ आई वुड से सेम था. ठीक है. थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल मैं नहीं कहता कि यार MMT का ज्यादा था बिकॉज आई एम सिलेक्टेड ओवर देयर और पेटीएम का ज्यादा था. दोनों का बराबर था आई वुड से है ना. एंड बस ये था कि हाँ पेटीएम में मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि राउंड्स ना जो मतलब 4-5 राउंड हुए थे दैट कुड बी कट शॉर्ट टू 1 or 2 राउंड्स ओनली. बिकॉज क्योंकि क्या था सेम क्वेश्चन सेम सेट्स ऑफ पजल्स और यू नो काइंड ऑफ दीज थिंग्स दे आर गेटिंग रिपीटेड है ना. तो वो मुझे उतना फ्रूटफुल नहीं लगा. ऑब्वियसली आप इंटरव्यू रखें राउंड्स रखें और दे शुड बी लाइक दे शुड जज यू ऑन योर डिफरेंट स्किल्स राइट, नॉट द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन. तो दैट व्हाट आई फेल्ट फॉर पेटीएम की ऐसा नहीं होना चाहिए था. MMT में ये था कि MMT में आई गेस 3 राउंड हुए थे. हाँ 3 राउंड एंड देन HR डिस्कशन. तीन तीन और 4 राउंड आई एम नॉट श्योर ऐसे कुछ था. तो यार राउंड मतलब काइंड ऑफ सारे सेम थे. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही मेरी जावा थी. तो उन्होंने मेरे पे मतलब क्वेश्चंस पुट करे जावा के कलेक्शंस पे, जावा के यू नो ऊप्स कंसेप्ट पे. ऊप्स पे यार बहुत बहुत ध्यान देते हैं. ये मैं शायद ये मैं भूल गया पेटीएम के मैंने जब आपको बताया इंटरव्यू प्रोसेस. तो यार ऊप्स के क्वेश्चंस ऊप्स के कंसेप्ट उन पे वो बहुत ध्यान देंगे चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो है ना. विच इज लाइक स्पेसिफिक टू ऊप्स कंसेप्ट ओनली. अब ये नहीं कि आप CSS चूज करो, C++ या सी. दूसरी चीज हाँ और तो और क्या था कि मतलब हाँ वही मैं बता रहा था. मतलब इंटरव्यू प्रोसेस उतना कोई टफ नहीं रहा दोनों कंपनीज का. मतलब ठीक था यार स्पेसिफिक टू मेरी जितना नॉलेज है मेरा जितना एक्सपीरियंस है मुझे ये था कि हाँ मैंने इन सब चीज़ों पे काम करा हुआ है. तो नथिंग वाज लाइक यू नो आउट ऑफ द बॉक्स और न्यू ऐसा कुछ नहीं था. बट हाँ थोड़ी बहुत पजल्स में भी आपको इरिटेट कर सके है ना. क्योंकि यार हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पजल्स पूछती हैं. कि ऐसा भी हुआ था कि मतलब एक दो कंपनीज में मैं लास्ट के राउंड तक पहुंच गया था बट आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल द मैनेजर राउंड. क्योंकि यू नो मैनेजर पुट्स यू इन सम सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट आंसर लाइक यू फील ब्लैंक है ना. तो यार वो चीजें भी होती हैं ऑब्वियसली. बट ठीक है यार इफ यू गेट रिजेक्शन देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ ऑन द अदर राउंड है ना फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यू. तो यार दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना. तो यही प्रोसेस रहा था और दोनों का काइंड ऑफ प्रोसेस सेम था है ना. और जो भी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन थे वो दोनों उन्होंने ही सेम लेवल पे पूछे थे. और SQL दोनों में पूछी गई थी आई वुड अगेन से है ना. SQL पूछी गई थी और वही और तो ऐसा कुछ न्यू नहीं था. एंड स्पेसिफिक टू माय नॉलेज क्यूए रोल सिलीनियम वगैरह का मतलब स्किल्स पूछा था, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे. एंड बस भाई ऐसा कुछ खास नहीं था, बस यही था. हाँ लास्ट में जो मतलब थोड़ा जो टेक्निकल राउंड हुआ था वो थोड़ा हल्का सा मुझे टफ लगा. क्योंकि उसमें उन्होंने क्वेश्चंस मतलब ऐसे कुछ पूछे थे कि ये मतलब लेट्स सपोज यू आर अ होटल मैनेजर एंड यू हैव टू बुक अ फ्लाइट, मतलब काइंड ऑफ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन सो हाउ वुड यू अट्रैक्ट योर कस्टमर एंड हाउ वुड यू टेस्ट की मतलब इस कस्टमर की बिलिंग मतलब यार थोड़ा वो टेडियस सा हो गया था है ना. बट ठीक है मतलब आई गेस ही वॉज ओके विद माई आंसर दैट्स वाई गॉट सेलेक्टेड.